भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। 5500 से 5800 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मिसाइल में केवल एक वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम काफी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, जबकि MIRV में मल्टीपल वॉरहेड्स एक साथ कैरी किए जा सकते हैं, जो एक ही मिसाइल से दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करते हैं, जिस वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती खड़ी करता है। DRDO के वैज्ञानिकों को इस सफलता की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। दरअसल मिशन दिव्यास्त्र देश में ही विकसित हाईली एडवांस्ड वेपन सिस्टम है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है, जिसकी वजह से एक ही मिसाइल अलग अलग लोकेशंस पर कई वॉरहेड्स तैनात कर सकती है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर्स हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। इसका इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 में हुआ था। उसके बाद 15 सितंबर 2013, 31 जनवरी 2015, 26 दिसंबर 2016, 18 जनवरी 2018, 3 जून 2018 और 10 दिसंबर 2018 को भी इसके सफल परीक्षण हुए, जिसमें पता चला कि ये मिसाइल दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बेहतरीन हथियार है। इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में पूरा चीन, पाकिस्तान तो आएगा ही, इसके अलावा यूरोप और अफ्रीका के भी कुछ हिस्से इसकी रेंज में हैं। इसके साथ ही भारत ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस मिसाइल को अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल करने वाले दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है। पाकिस्तान ने 2017 में ऐसा दावा किया था कि उसने MIRV तकनीक का इस्तेमाल करके अबाबील नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। भारत की अग्नि 5 मिसाइल अन्य देशों के लिए एक चेतावनी है कि भारत से पंगा लेना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है, और साथ ही चीन के लिए ये एक चुनौती खड़ी करती है, जिसके साथ LAC पर पिछले 4 सालों से भारत का तनाव बरकरार है।